उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में बीजेपी विधायक राजेश मिश्रा और पप्पू भरतुला की बेटी साक्षी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उसने अपनी जान को खतरा बताया था। इस वीडियो में साक्षी अपने पिता से दलित युवक अजितेश से उसकी शादी को स्वीकार करने की अपील कर रही थी। वहीं अब अजितेश के पड़ोसियों ने उस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी विधायक पप्पू भरतुल की बेटी साक्षी मिश्रा के पति अजितेश के पड़ोसियों ने कहा है कि अजितेश अय्याश किस्म का व्यक्ति है, उसके कई शादीशुदा महिलाओं से अवैध संबंध है। पड़ोसियों का आरोप है कि अजितेश इलाके में भी कई लड़कियों से छेड़छाड़ कर चुका है। उन्होंने मीडिया को बताया कि उस पर 50 लाख रुपए का कर्ज है, साथ ही थाने में उसके खिलाफ कई मुकदमे भी दर्ज हैं। बीजेपी विधायक का ये कहना है कि अजितेश की सगाई में 7 लाख रुपए खर्च हुए थे, उसकी शादी दिसंबर में होने वाली थी। उसकी सगाई की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि अजितेश कुमार की सगाई भोपाल के रहने वाली एक लड़की से हो चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अजितेश की सगाई भोपाल के एक होटल में धूमधाम से की गई थी, लेकिन सगाई के कुछ दिनों बाद ही अजितेश के घर वालों की तरफ से शादी के लिए मना कर दिया गया था। दरअसल एक वीडियो वायरल के बाद साक्षी और अजितेश का मामला तूल पकड़ने लगा था। शुक्रवार को साक्षी अजितेश के साथ एक न्यूज़ चैनल के स्टूडियो पहुंची, जहां उन्होंने अपने रिश्ते को लेकर पूरी बात बताई। इस दौरान साक्षी ने बताया कि जिस प्रकार उसके भाई को सारी छूट दी जाती थी, उसको कभी नहीं दी गई, भाई को हमेशा अधिक छूट दी जाती थी। साक्षी ने कहा, मेरी माँ ने पिताजी से मेरे बारे में गलत बातें बताई थी, लेकिन इसके बाद ऐसी बातों से हिम्मत बढ़ गई और मैं वो सब करने लगी जिसका डर ये लोग दिखाते थे। साक्षी ने बताया कि अजितेश से बात करने की भनक भाई विक्की को लग गई थी और वो बार बार इसके बारे में पूछता था। इसके बाद तो वो पीटने भी लगा और मैं पैर पकड़कर उसे मनाती रहती थी। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।